नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मंदूरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित आजमगढ़ के 7 गांवों के किसान भूमि अधिग्रहण कराने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामवासियों से भेंट के उपरांत इस संबंध में गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से करीब 7 गांवों के ग्रामवासियों की जमीन, दुकान, रोजी रोजगार प्रभावित होने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वह विकास के प्रबल समर्थक हैं, मगर ऐसे कृषि योग्य क्षेत्र में ऐसी परियोजनाएं विकसित करना ठीक नहीं है, इससे आबादी प्रभावित होती है। क्षेत्र के अधिकांश लोगों की जीविकोपार्जन का प्रमुख जरिया कृषि ही है, अगर यही उनसे छीन ली जाएगी तो वो क्या करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी हवाई अड्डे व आबादी से दूर बनाए जाने चाहिए। आजमगढ़ के ऐसे क्षेत्र जो आबादी से दूर हो उन्हें चिन्हित करके हवाई अड्डा का निर्माण हो। साथ में निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री हवलदार यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, विधायक अखिलेश यादव, विधायक आलमबदी डॉक्टर हरिराम सिंह यादव सहित पार्टी के पदाधिकारी गण व वरिष्ठ नेता शामिल रहे। नफीस अहमद जो भी गोपालपुर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मदुरई हवाई अड्डा और जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि उसको इंटरनेशनल का विस्तार किया जा रहा है और उस विस्तारीकरण में वहाँ ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगभग 1000 की तादाद में लोग अपने घरों से बेघर हो जाए। दूसरा, जो कृषि की योग्य ज़मीनें हैं जहाँ पे उपज पैदा होती है, वो ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं और तमाम ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास आधा हिस्सा भी ज़मीन नहीं बचेगी, पूरी की पूरी ज़मीनें एक्वायर हो जाएंगी। तीसरा, हम लोगों की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी ज़मीनों को चिन्हित करें आजमगढ़ जनपद में जो सरकारी ज़मीनों का क्षेत्रफल ज़्यादा हो, जहाँ पर कृषि योग्य ज़मीनें ना हो, आबादी से दूर हो, वहाँ पर चिन्हित करके किया जाए। जहाँ तक सवाल मदुरई हवाई अड्डे का है, अगर कहीं और बनता है तो तमाम ऐसी योजनाएं सरकार लाती रहती है, उसका किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन 1000 परिवार को बेघर करना, जो बरसों से बसे आ रहे हैं और ये सरकार लगातार संस्कृति को, पुरानी भावनाओं को तरजीह दे रही है, हजारों साल पुराने नाम को लाके ज़िले का नाम बदल रही है, तो मैं इस सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप बताएं जो हजारों साल से लोग उस गांव में, उस जहां रह रहे हैं, अपने पूर्वजों की जहां उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको बेघर ना किया जाए।